कुमार जी, माननीय श्री अश्वनी वैष्णव रेल मिनिस्टर, श्री माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री सम्राट चौधरी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आज अमृत भारत स्टेशन के योजना के अंतर्गत लखीसराय रेलवे स्टेशन का चयन प्रधानमंत्री जी ने किया, आज उसका शिलान्यास कार्यक्रम है। आज बिहार में 33 स्टेशनों का चयन हुआ, पूरे देश में 554 स्टेशन का चयन हुआ है। लखीसराय वासियों के लिए गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत भारत स्टेशन में जो कुल 554 स्टेशनों का चयन हुआ, उसमें से एक लखीसराय का भी हुआ है। लखीसराय की जनता के तरफ से मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि लखीसराय वासियों का आपने चिंतन किया और इस स्टेशन का पुनर्विकास का आपने आज आधारशिला रखा है। आपके नेतृत्व में लखीसराय में दिन प्रतिदिन और रेलवे का विकास होगा। जैसे हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही है, जो वर्ल्ड क्लास की ट्रेनें हैं, लखीसराय को भी देने का प्रधानमंत्री जी ने किया, मैं उसका साक्षी बना और आज इस कार्यक्रम का भी साक्षी बना हूँ। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जिलों को इतना चिंतित करके विकास की योजनाओं में शामिल किए हैं, तो मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं प्रधानमंत्री जी का। योजना के तहत लखीसराय स्टेशन का जो चयन किया गया है, यहां पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि काम काफ़ी रफ्तार से चालू है। स्टेशन के दोनों तरफ का एरिया जो है काफ़ी अच्छे ढंग से डेवलप किया जा रहा है और उस चीज़ को जो है लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो FOB है उसका भी विस्तार किया जा रहा है, सर्कुलेटिंग एरिया का भी अच्छे ढंग से विस्तार किया जा रहा है और जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है वो अच्छी गुणवत्ता के साथ क्यों किया जा रहा है और निकट भविष्य में आप लोग जो है इसके साक्षी रहेंगे कि ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर लिया जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण ये आज का दिन है जिससे प्रधान ये लगभग 1.5 साल का योजना है इसके अंदर पूरा कर लिया जाए। इसमें जो है स्टेशन का सबसे पहला निर्माण किया जाएगा, पार्किंग सुविधा दोनों तरफ में डेवलप कर दिया जाएगा और साथ साथ में यहाँ पर दिव्यांग के लिए जो सुविधाएँ हैं, लिफ्ट है या फिर ये जो रैंप की व्यवस्था है, इन सबों का व्यवस्था किया जा रहा है। राहुल ये पुरस्कार उसका उत्साहवर्धन करें, भाषण प्रतियोगिता में और द्वितीय स्थान पर आरोही कुमारी आप भी आए, ये कक्षा 6 की छात्रा है, इन्होंने भाषण प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, इसके लिए मैं और तृतीय स्थान प्राप्त किया है स्वाति कुमारी जो कि कक्षा 6 की छात्रा है। अच्छा ठीक है, आप 7वीं की छात्रा है, आप प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है तो आपको भी मंच पर आमंत्रण और इसके बाद रेल यात्रा वृत्तांत में जो विनर है उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रथम स्थान तनुजा कुमारी, दूसरे स्थान सौरभ कुमार और तृतीय से अभिनंदन है। दूसरे स्थान पर रितिका कुमारी मंच पर आ जाए और तृतीय स्थान दिव्या कुमारी, आप भी यहां सीढ़ी पर आ जाए। तो ये कहानी प्रतियोगिता में आरती कुमारी थी, दूसरा स्थान रितिका कुमारी। कुल 6-6 बच्चे तीनों स्कूलों से प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। दिव्या भारती कक्षा 7 की छात्रा है ये, जिन्होंने कहानी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। तालियां बजती रहे, अरे तालियां ही तो आपकी जोश है जो हमें ऊर्जा दी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ भाषण प्रतियोगिता के जो विनर है प्रिंस कुमार प्रथम स्थान, आरोही कुमारी शिक्षक के पद पर पदस्थापित हैं दानापुर में, इनसे कि आप आए और ये खूबसूरत पल फोटो सेशन सभी बच्चों ने जिन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया ये याद रखते हैं और हम इन्हें अभी आमंत्रित कर दे रहे हैं कि हम होली के कार्यक्रम में इन्हें दानापुर बुला रहे हैं कार्यक्रम के लिए और साथ में एक अंगवस्त्र गुलशन पांडे जी के लिए। कलाकार भूखा रहता है सिर्फ आपके प्यार का, आपकी तालियों का, आपके दुलार का।